सो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है? सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर दी ड्यूटीज या दी ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड बाय दी कंट्री और बाय दी नेशन फ्रॉम दी सिटीजन। तो कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं, ऐसे कर्तव्य है जो स्टेट मशीनरी हमारी जो है, जो हमारी कंट्री की स्टेट मशीनरी है वो एज अ सिटीजन लोगों से एक्सपेक्ट करता है। हमारा स्टेट जैसे हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करता है टूवर्ड्स दी सिटीजन, दिस इज दी अदर वे अराउंड कि हम कुछ सिटीजन से भी एक्सपेक्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इनकलकेट हुई, क्या इनिशियली थी या हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, ये सब चीजें आज हम जानेंगे आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी सेशंस। आज पॉलिटी का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्लियर है? सो फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा हम जानते हैं ये ऐसे ड्यूटीज हैं जो कि स्टेट मशीनरी या कंट्री हमसे एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम द सिटीजंस कि ये कर्तव्य आपको पूरे करने चाहिए। जिस तरीके से आपको राइट स्टेट मशीनरी प्रोवाइड करती है फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में और डीपीएसपी के फॉर्म में, इसी तरीके से सिर्फ आपका इंजॉय राइट करने का काम नहीं है, सिर्फ लेने लेने का काम नहीं है, कुछ आपको देश को देना भी है, कुछ ड्यूटीज भी हैं। हालांकि ये जस्टिसिबल नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको कोई भी ऑब्लिगेशन की तरह नहीं लेता, बट इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ऑल दी सिटीजन्स, क्लियर है बात? सो क्या है देखते हैं धीरे धीरे। सो फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो पुराने जमाने में जो यूएसएसआर होता था सोशलिस्ट कंट्रीज, वहां से यूएसएसआर जो सोशलिस्ट कंट्री थी वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट की थी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल पार्ट नहीं था, यानी कि 1950 में जब हमारा संविधान रिलीज हुआ उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द फैक्ट गोज फॉर एवरी कंट्री, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री इस देश दुनिया में आज तक है उनमें भी फंडामेंटल ड्यूटी पे इतना एम्फेसिस नहीं किया है। सिर्फ जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पे प्योर एम्फेसिस है फंडामेंटल ड्यूटीज पे, क्योंकि उनका मानना क्या है कि हम राइट्स तो सिटीजन को देते हैं, देश तो सिटीजन को बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन क्या सिटीजन एक देश को बहुत कुछ देता है या उसके अगेंस्ट कुछ देता है? तो इसी चीज को एम्फेसिस जापान में रखा गया और इसी वजह से जापान की ग्रोथ आप सब देख सकते हैं। हालांकि हमारे देश में भी इसकी नीड जागी और आफ्टर दी 42nd अमेंडमेंट 1976 वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। दो इसको हमने अभी भी जस्टिसिएबल नहीं रखा है या हमने ऑब्लिगेशन नहीं दिया है कि मैंडेटरी है आपको ये ड्यूटी फॉलो करनी है, बट कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको लीगली बैक भी किया है। एज सच गारंटीड, जैसे फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है उसी तरीके से स्टेट मशीनरी के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं है कि भैया एक सिटीजन ने अपना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई, जैसे कोई भी काम नहीं किया जो इसमें दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट जाके कोर्ट में जाके उसकी उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं, ऐसा अवेलेबल नहीं है। कुछ चीजों के लिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए हालांकि पार्लियामेंट ने लॉज एक्ट बना सके हैं जिसके थ्रू उनको पनिशमेंट मिल जाएगा, क्लियर है बात? तो ये सब चीजें हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो जैसा मैंने आपको बताया इन 1976 जब हमारी इमरजेंसी चल रही थी 1975 टू 1977 इंदिरा गांधी सरकार के समय, तब क्या हुआ जब नेशनल इमरजेंसी लगी तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट स्टेट मशीनरी ने ले लिए। जैसा कि आपको पता है कि इमरजेंसी के टाइम स्टेट फंडामेंटल राइट्स टेक अवे कर लेता है एक सिटीजन के, और कुछ एक आध राइट है जो कि तो भी अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है वो कौन से फंडामेंटल राइट है जो हम फंडामेंटल राइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो इमरजेंसी के टाइम भी एक सिटीजन से छीने नहीं जा सकते, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो कहानी बढ़ाते हैं 1975-1977 जब हमारा इमरजेंसी का टाइम चल रहा था तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या करा, इमरजेंसी लगाई तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो गए लोगों के। अब इसके प्रोटेस्ट में लोग बहुत सारी ऐसी हरकतें करने लग गए या बहुत सारा प्रोटेस्ट ऐसा होने लग गया जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक को नुकसान होने लग गया। तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला कि एज अ सिटीजन व्हेन यू आर डिमांडिंग फंडामेंटल राइट्स देयर शुड बी सम ड्यूटीज ऑन यू आल्सो, सिटीजन के ऊपर भी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए और स्टेट मशीनरी एक्सपेक्ट करती है हर सिटीजन से कि वो ड्यूटी फॉलो करे। तो इसी के संदर्भ में क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करी गई बाय स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो सवाल आ सकता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे चालू हुई है,
तो इट वॉज स्वर्ण सिंह कमेटी। अभी और अपन देखते हैं इसको डिटेल में, क्लियर है? तो आपको इसमें दो ही अमेंडमेंट आपके काम के हैं फंडामेंटल ड्यूटी से, 47th अमेंडमेंट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें इतने सारे अमेंडमेंट, मतलब ये एक ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें इतने सारे प्रोविजंस को चेंज किया गया कि इसको अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जाने लगा, जाना जाने लगा, ठीक है? देन दूसरा है इसमें 86th अमेंडमेंट 2002, बस इसका एक एम्फेसिस और है, अदरवाइज फंडामेंटल ड्यूटी जितनी भी कहानी है दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्लियर है बात? ये आ गया इन 2002, वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इंट्रोड्यूस। तो इनिशियली जो थी हमारे देश में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करी गई थी 1976 में, इसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कब करी, ड्यूटी 2002 86 अमेंडमेंट के थ्रू हमने इंट्रोड्यूस करी। टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपको आगे और अभी मिल जाएगा, क्लियर है? सो इन 1976 द कमेटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वर्ण सिंह टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द इंटरिम इमरजेंसी 1975 to 1977। ये मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कहानी अभी, कि जब इमरजेंसी का दौर था 1975-1977, तो उस टाइम इसकी नीड सरकार को, हमारे उस टाइम की जो सरकार थी इंदिरा गांधी सरकार, उसको लगा कि भैया हमारे देश के सिटीजन से भी हमें कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, इट इज नॉट अबाउट गिविंग गिविंग गिविंग, कुछ हमें उनसे भी लेना है, कुछ हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशंस ग्रोथ, तो इट इज नॉट कि भैया स्टेट मशीनरी आपको देती जाए आपके लिए कुछ प्रोवाइड करे, इस देश का सिटीजन भी देश की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और यही एक्सपेक्टेशन के साथ इमरजेंसी के टाइम क्या किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाई गई, जिसके थ्रू यह बोला गया कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी जरूरी है या नहीं है, सबसे पहले तो यह बताओ कि जरूरी है या नहीं जरूरी है, ठीक है? उसके बाद ही बताओ अगर जरूरी है तो इसको किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करें, यह सारी बातें आपको रिकमेंड करनी है, ठीक है? और इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाई गई। सरदार स्वर्ण सिंह वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही बहुत प्रोमिनेंट नेता थे, काफी पोर्टफोलियो इन्होंने हैंडल करे हैं, तो इनको बोला गया कि भाई साहब आप हमें बताएं कि किसकी क्या जरूरत है, क्लियर है बात? कमेटी बैठी, सो द कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इतनी बात बोल दी कि भैया एक सेपरेट चैप्टर बनाओ आप बकायदा, फंडामेंटल ड्यूटी पे पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम सिटीजन को सब कुछ देते जाएं और सिटीजन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें तो हमारा देश कोई ज्यादा आगे ग्रो नहीं करेगा, क्लियर है बात? हालांकि इस टाइम प्रोटेस्ट भी हुई इस चीज की, क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इस समय इमरजेंसी का टाइम चल रहा था और इमरजेंसी में वैसे ही सबके राइट्स ले लिए गए थे, तो पहले तो राइट्स ले लिए और दूसरा लोगों से एक्सपेक्ट करने लग गए कि भैया आप अपनी ड्यूटीज भी फॉलो करो, क्लियर है बात? तो इस टाइम इसकी जरूरत भी क्यों हुई, क्योंकि इस दरमियान बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे और लोग क्या कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी नेशनल इंटेग्रिटी को हैम्पर कर रहे थे, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने बोला कि ये ड्यूटी में डाल दो कि भाई साहब ये आपको देश की नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी सॉलिडरिटी को रिस्पेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें एज अ ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी गई। इस समय तो इसका क्रिटिसिज्म था, बात समझ में आती है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट्स ले लिए, बहुत सारे जो विपक्षी नेता थे उनको जेल में डाल दिया अंडर वेरियस एक्ट्स, जैसे मीजा एक्ट है, तो मीजा एक्ट के थ्रू इन्होंने उस टाइम के सारे बड़े बड़े नेता जो विपक्ष थे कांग्रेस में, कांग्रेस के विपक्ष में थे या इंदिरा गांधी सरकार के विपक्ष में थे, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। तो वैसे ही बहुत सारी प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म चल रहा था और उसी टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो क्रिटिसिज्म बढ़ा भी। लेकिन आप मजे की बात देखें कि भाई साहब अगर ये इतना क्रिटिसिज्म का पार्ट था तो इसको 1976 के बाद जो अमेंडमेंट आया या इंदिरा गांधी सरकार के बाद जो चेंज हुई तो फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों नहीं हटाया गया? अगर ये गलत चीज थी तो इसको हटाना चाहिए था, लेकिन इसको आगे भी कैरी ऑन रखा आने वाली सरकारों ने, क्योंकि दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर, हमारे देश को इसकी जरूरत है। फंडामेंटल ड्यूटी यानी हर सिटीजन के ऊपर एक दायित्व तो होना चाहिए, एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि भाई साहब आपको भी देश के लिए कुछ करना है, देश की यूनिटी मेंटेन करनी है, आप ऐसे भंग भंग नहीं कर सकते, सारी चीजें तबाह नहीं कर सकते, क्लियर है बात? अभी ड्यूटी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है? इट स्टेट्स दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स,
यानी कि सिटीजन को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब स्टेट मशीनरी जो है या देश जो है आपको इतने सारे राइट दे रहा है इंजॉय करने के लिए, लेकिन चाचा लोग आप भी तो कुछ करो, दे ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म एज वेल। सिर्फ मांगना मांगना या लेना लेना थोड़ी हमारा अधिकार है, कुछ देना भी हमारे को चाहिए या कुछ ड्यूटीज भी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मेन रेशनल क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज का, कि भैया देश के सिटीजन को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए या टूवर्ड शुड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ आर नेशन। इट इज नॉट ओनली द स्टेट मशीनरी दैट वुड बी गिविंग थिंग्स टू दी या गिविंग राइट्स टू दी सिटीजन। क्लियर है? सो ये अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। द गवर्नमेंट एट सेंटर एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन, ये जो रिकमेंडेशन आई उसको एक्सेप्ट किया गया और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू क्या लाई गई, फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई, इनिशियली लाई गई 10 ड्यूटीज। ये आपको ध्यान रखना है, कमेटी ने रेकमेंड करी थी 8 ड्यूटीज लेकिन हमने अडॉप्ट करी कितनी ड्यूटीज, 10 ड्यूटीज अडॉप्ट करी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी करी थी, 8 ड्यूटीज रेकमेंड करी थी लेकिन हमने करी 10 इनेक्ट। हालांकि दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट नेमली पार्ट 4A, और इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, तो पार्ट 4 जो है उसके बाद अमेंडमेंट में लाया गया पार्ट 4A एडिशनल पार्ट। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि भैया कोई भी हमारे को पार्ट या आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग में क्या कर देते हैं, अल्फाबेट जोड़ देते हैं। तो पार्ट 4 से पार्ट 4A आर्टिकल भी क्या हुआ, आर्टिकल 51 में हमने जोड़ा आर्टिकल 51A। ये दिस इज दी ओनली आर्टिकल डीलिंग विद फंडामेंटल ड्यूटीज। इस आर्टिकल में 10 इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई और एक को लेटर 86 अमेंडमेंट के साथ भी इंट्रोड्यूस किया गया। दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, आर्टिकल 51A विच वॉज द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड अ कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। ये मैंने आपको बता दिया 10 ड्यूटीज इसमें भी, रेकमेंड 8 ही करी थी लेकिन फिर भी हमने 10 ली। कौन सी हटाई और कौन सी जोड़ी वो अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। दो दी स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी लिखी हुई है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, वी इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इंटरेस्टिंगली सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वर नॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो बाय द कांग्रेस। इसमें क्या था, कुछ ऐसी रिकमेंडेशन थी जिसको एक्सेप्ट नहीं भी किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो 8 दे दी लेकिन इसके अलावा इसको बोला गया था कि इसको मैंडेटरी करो, इसको एक चैप्टर सेपरेट चैप्टर बना के इसको मैंडेटरी करो, और जो फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करता फुलफिल नहीं करता उसको पनिशमेंट देने का प्रावधान भी बनाओ। तो इंदिरा गांधी सरकार ने सोचा कि यार वैसे तो बात ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी इमरजेंसी का सिनेरियो चल रहा है और देश में सरकार का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत सर पे एकदम टॉप लेवल क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो अगर हम इसको मैंडेटरी कर देंगे तो यह तय है कि आने वाली सरकार हमारी नहीं होगी। और इसका इफेक्ट भी आपको यह है कि इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार वैसे भी चलेगी, उन्होंने इसको मैंडेटरी नहीं भी रखा, बैकडअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखा या बैकडअप बाय द सुप्रीम कोर्ट नहीं रखा, और फिर भी सिर्फ मेयर इंट्रोडक्शन ऑफ इट एज नॉट अ ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी थिंग, उसकी उनकी जो सरकार है वो आने वाले टाइम में बिखर गई और अगली सरकार मोरारजी देसाई की आई। क्लियर है बात? तो इतना क्रिटिसिज्म था, तो उस टाइम उनको लगा कि अगर मैं इसको मैंडेटरी कर दूंगी ना तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हमारे देश में और हमारी सरकार आगे नहीं टिकेगी। सत्ता का लालच चीज ही ऐसी कि उनको लगा नहीं आगे मैं सत्ता, मेरे को आगे कंटिन्यू करनी है तो अभी धीरे धीरे टॉफी देती हूं, अभी मैं डाल देती हूं, बाद में जाके इसको मैंडेटरी करने का मौका मिला तो कर देंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सरकार यहां पे गिर गई, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं भैया कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। मैंने आपको बताया 8 रिकमेंड करी थी, हमने 10 करी, 2 और जोड़ दी, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जो 3 इनके रिकमेंडेशन थे जिसको हमने रिजेक्ट करा वो क्या क्या है, जो इनकी बातें नहीं मानी, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व द ड्यूटीज। यानी कि क्या बोला गया कि अगर कोई भी इंसान इसको नहीं मानता है या फिर पूरी नहीं करता है ड्यूटी को तो उसको पूरा प्रॉपर पनिशमेंट दे और इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान बनाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी को लगा नहीं कि अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन मेयर इंट्रोडक्शन एज अ नॉलेज ही हम डाल देवे तो ही बहुत है, और यही उन्होंने किया। और उसके सिर्फ ये डालने की वजह से उनकी सरकार एक तो चली गई, रीजन और भी थे, इमरजेंसी लग गई थी, फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो गए थे, ये सब चीजें थी, तो वैसे भी सरकार हटी थी, ये करती तो भी कोई ज्यादा खास दिक्कत होती नहीं, पर उनको ऐसा लगा कि अभी नहीं करना चाहिए। और ये कंसेप्ट हम लाए कहां से, ये आपको याद होना चाहिए कि अर्स्ट वाइल यूएसएसआर यानी कि जो पुराना यूएसएसआर था उनके ऑब्जेक्टिव्स में से हम ये लेके आए हैं,
क्योंकि जनरली सोशलिस्ट कंट्रीज जितनी भी थी वो इस चीज पे एम्फेसिस करती थी कि भैया सिटीजन्स की भी क्या होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जैसे आपको पता है सोशलिस्ट कंट्री वो जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल द रिसोर्सेज आर हेल्ड बाय द सोसाइटी ओनली, सब कुछ किसका है, सोसाइटी का है, लोगों का है, कम्युनिटी का है, तो रिसोर्सेज भी उनके हैं, उत्पादन भी उनको करना है, प्रॉफिट भी उन्हीं को निकालना है और बांटना भी उन्हीं को है। तो ऑब्वियसली बात है इसको सबको सही तरीके से कब चल पाएगा, जब सबकी ड्यूटी होगी, कुछ ना कुछ ड्यूटी होगी कि भैया ये काम आपको करना ही है, सिर्फ घर बैठे बैठे आपको प्रॉफिट मिल जाए ऐसा तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं सोशलिस्ट कंट्रीज में। क्लियर है बात? हालांकि बाद में जाके यूएसएसआर ही यूएसएसआर नहीं रहा, सोशलिस्ट कंट्री की तो बात छोड़ो, तो ये सब चीजें डाइल्यूट हो गई, लेकिन उस टाइम जितनी भी सोशलिस्ट कंट्रीज थी, यूएसएसआर, यूगोस्लोवाकिया, ये सब क्या होता थी, इनके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज पे एम्फेसिस ज्यादा होता था। और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें तो जापान इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे क्लियर एम्फेसिस है फंडामेंटल ड्यूटीज पे। आगे बात समझ में? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कहां से इंस्पायर हुए हम, कहां से हमें मोटिवेशन मिला, तो हमें मोटिवेशन मिला यूएसएसआर से। ठीक है, दूसरा जो रिकमेंडेशन हमने इनका नहीं माना, नो लॉ इंपोजिंग सच अ पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बोला कि जो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं कि ये पहला पॉइंट कि भैया जिसने पूरी नहीं करी उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसमें ये बोला गया कि पनिशमेंट मिलेगा, ये रूल बना दो और इस रूल को जस्टिसिएबल भी मत रखो, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इसके अगेंस्ट कोई बात भी नहीं कर सकता कि कल को आप बोलो कोर्ट ऑफ लॉ में कि भैया ये गलत रूल बनाया है या कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत है, इसके ऊपर हम कोई चर्चा करें या हम कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स करें, तो वो भी अलाउड नहीं है। ऐसा रिकमेंडेशन थी इनकी, ऐसी रिकमेंडेशन थी समर सिंह कमेटी की। लेकिन जैसा हमें पता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज्यूडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, यानी कि ये मूल ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश की स्टेट मशीनरी का, कि आप किसी भी चीज पर ज्यूडिशियल रिव्यू कर सकते हो। ये कहां से आया, केशवानंदा भारती केस के थ्रू के बाद आपने देखा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में सारा चीज चेंज कर सकते हो, लेकिन एनीथिंग विच इज चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट परमिसेबल। और अगर जुडिशियल रिव्यू के पार्ट को हम ले लेते हैं तो ये क्या बात हो जाएगी, ये वही बात हो जाएगी कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अलाउड इन आर कंट्री। क्लियर है बात? तो ये वाली रिकमेंडेशन भी फॉलो नहीं हुई। तीसरा था ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस, कि हर सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए कि टैक्स भरना है, फंडामेंटल ड्यूटी। हम टैक्स आज भी भरते हैं बट ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, कई लोग टैक्स चोरी भी कर रहे हैं, कई लोग टैक्स इवेजन भी कर रहे हैं, मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं। अगर ये फंडामेंटल ड्यूटी की तरह होता तो हमें ये मैंडेटरी हो जाता, ऑब्लिगेशन हो जाता, जो कि हमने नहीं रखा, क्योंकि फिर वही बात हो जाती, क्योंकि इंदिरा गांधी को क्या लगा कि जो मोटे मोटे रईस लोग हैं, जो हमारी पार्टी फंडिंग करते हैं, हमारे पास पैसा है, तो अगर हम टैक्सेस एक ऑब्लिगेशन बना देंगे, कंपल्सन बना देंगे, तो फिर पैसा आएगा कहां से फंडिंग के लिए। और ये सिर्फ इंदिरा गांधी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर सरकार में मेन जो पार्टी के पास पैसा आता है वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से आता है। और बिजनेस हाउसेस से पैसा कैसे आता है, क्योंकि बिजनेस हाउसेस उसमें टैक्स इवेजन करते हैं। क्या करते हैं? टैक्स इवेजन करते हैं बाय डोनेटिंग, बाय फंडिंग। तो उससे वो कहीं ना कहीं घोटाला कर रहे हैं और इधर पार्टियों के पेट पलते हैं। तो ये करने से क्या होता, पार्टियों के पेट नहीं पलते, कैसे, प्रचार प्रमर्श होता। क्लियर है बात? अब क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। सो आर्टिकल 51 है, ये याद हो गया, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। तो हमें ये बोला गया कि हमें हमारे देश के नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द सैंपल ऑफ आर नेशनल यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ आर कंट्री, तो ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो हमारी जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी, हमें जो आजादी मिली, उसमें जो हमने लड़ाई करी है, उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज हमें बोली गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम खड़े होकर गांधी जी को भी गालियां दे देते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू को भी गालियां दे देते हैं, हमने जो करा सबको गालियां, भगत सिंह को भी गालियां दे देते हैं कई लोग। सो किसी को कुछ भी बोलने से मना नहीं है, फ्रीडम स्ट्रगल की रिस्पेक्ट हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटी है, बट क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है इसलिए लोगों को पता नहीं है और लोग कुछ भी करते हैं। आपने देखा है इवन थैंक्स आर में आज अभी रिसेंटली मोदी जी का भाषण आया, तो उन्होंने अगर अपन बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल जिनकी हुई, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल करी, उन लोगों की खुलेआम डिसरिस्पेक्ट भी करी है
कि कांग्रेस न होती तो ये ना होता, एक्स वाई जी, अगर आप लोगों ने वो देखा हो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी मैंडेटरी नहीं है तो हम जो इसमें लिखा हुआ है उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, हमारा देश इनके बारे में पढ़ाता है, हमारा देश इनके बारे में महान महान चैप्टर हमारे एडुकेशन सिस्टम में है, सिखाते हैं, लेकिन टू रिस्पेक्ट देम एक्चुअली या इन रियल लाइफ ये कोई भी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज सेकेंड पॉइंट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सॉवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना है, इसके अगेंस्ट काम नहीं करना। आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ आर कंट्री तो आपके ऊपर कानूनन एक्शन लिया जा सकता है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कानूनन एक्शन लिया जा सकता है, क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे अलग से एक्ट है, इसके पीछे अलग से एक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज वैसे जस्टिसिएबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे नहीं खोल रखे कि भैया आपको कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी अगर फॉलो नहीं कर रहा तो यू कैन कम टू अस, ऐसा नहीं बोल रखा। जैसे फंडामेंटल राइट में रिट की जो पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, वो इधर मौजूद नहीं है कि हर फंडामेंटल राइट के साथ आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी के साथ आपके साथ ये सुप्रीम कोर्ट की सुविधा आपको उपलब्ध है। ठीक है, ये नहीं है, लेकिन ये प्रावधान जरूर है कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी के लिए एक सेपरेट एक्ट या सेपरेट लेजिस्लेशन बना के उसमें पनिशमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो जो जो फंडामेंटल ड्यूटी उनको लग रही है कि भैया अति महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है इस फंडामेंटल ड्यूटी का, तो उसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन फंडामेंटल ड्यूटी का निकाल सकती है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक नया एक्ट निकाल सकती है। That would be governing specifically that fundamental duty. उस fundamental duty की अगर बात हो रही होगी तो उसको punishment मिल सकता है। यानी कि आप क्या बात कह सकते हैं कि किसी fundamental duty की legal backing या legal teeth हो सकते हैं if parliament creates some kind of act, कोई act बना देता है, legislation बना देता है, तो ये चीज हो सकती है। समझ आया बात? Okay. To defend the country and render national service when called upon to do so. तो टू नेशनल सर्विस, अगर हमारे देश को हमारे नागरिकों की जरूरत पड़ती है कि भैया बाढ़ आ गई, लो आपको राहत कार्य करना है, कोरोना में जैसे आपने देखा कि राहत कार्य करना है, तो हमारे जितने भी सिटीजन हैं, पहले तो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे सारे पुलिस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सारी जो फोर्सेज हैं, जो हमारी फोर्सेज रिजर्व हैं, वो पहले वो काम करेंगी, देश को बचाने का काम कौन करेंगी, वो करेंगी। ठीक है, देश की कभी भी जरूरत होगी तो पहले वो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे। पर सपोज करो कि एपिडेमिक इतनी बढ़ जाती है या महामारी इतनी बढ़ जाती है या दिक्कत इतनी ज्यादा हो जाती है, तो कंट्री गवर्नमेंट कैन कॉल अपॉन यू ऑल्सो, वो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप देश सेवा करें, अभी इस चीज की जरूरत है आपको, डिफेंस में काम करना है आपको, बॉर्डर पर लड़ना है, हमारे सैनिक खत्म हो गए, तो आपको खुद भी बोल सकते हैं कि आप जाके अपने देश को बचाओ, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। हालांकि इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, बट इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, बाढ़ आ गई तो आपको लोगों को बचाना है, ऐसा कॉल अपॉन हो सकता है। क्लियर है बात? तो फंडामेंटल ड्यूटी है, बट इट इज अगेन नॉट मैंडेटरी बिकॉज इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। फिर आते हैं टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी को फैलाने की बात, अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो हम कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस दैट इज डेरोगेटरी टू द वुमेन, जहां पे वुमेन जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, जेंडर इनइक्वालिटी है, औरतों को नीचे देखा जा रहा है, मर्द को ऊपर देखा जा रहा है, तो इस टाइप की प्रैक्टिस या कोई भी भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन अगर पाया गया तो क्या हो सकता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इसके पीछे पनिशमेंट है, क्योंकि इसके पीछे बैक्ड बाय एक्ट है कोई ना कोई, ठीक है ना, तो कोई ना कोई एक्ट बना रखा है उसके प्रति इसको लॉ बना सकते हैं। अब कौन कौन से एक्ट हैं इस पे हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा, सिर्फ बोल रहा हूं कोई ना कोई बैकिंग एक्ट है। और कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनके पीछे एक्ट है, तो आपको जो शुरू की 10 है ना, उसमें जो जो ऑड नंबर पे है दे आर लीगली बैक्ड। तो अभी तक हमने 5 पढ़ ली, ठीक है ना, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये तो हो गई ऑड नंबर वाली सारी लीगल एक्ट, और आगे कौन सी होगी, सेवेंथ और नाइन्थ। ठीक है, सिमिलरली जो इवन नंबर पे है, सेकेंड फोर्थ सिक्स एट्थ टेंथ, दे आर नॉट लीगली बैक्ड, मतलब इनके लिए कोई भी एक्ट नहीं है। ठीक है, ये मॉरल है, ये क्या है, सिर्फ मॉरल है कि आपको करना चाहिए, भैया थोड़ा अच्छे इंसान बन जाओ, हम एक्सपेक्ट करते हैं ये करो, पर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं,
नीच लोगों की कमी तो है नहीं, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो डाइवर्सिटी है, इतना कल्चर है, इतने टाइप के लोग हैं, इतने टाइप के रिलीजन है, इतने टाइप के मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर है, इसकी हेरिटेज की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमारे को लेगेसी की रिस्पेक्ट करनी है। बट हमारे यहाँ पे तो क्या हो जाता है, जाके हम लिख देते हैं रिया लव्स मनोज कुछ भी, या पीकते हैं, थूक देते हैं कहीं पे भी। सो ये एक मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है, बट इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, आपको पता होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ लीगल बैकिंग के अलावा अगर अपन पढ़ के भी दिमाग लगा लें कि भैया ये चीज हमारे को करनी चाहिए, इतना आपको बुद्धि होनी चाहिए हर इंसान में। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है एंटी पोचिंग एक्ट निकल गए, ग्रीन ट्राइब्यूनल बन गए, क्योंकि इनके पीछे एक्ट है, ये लीगली बैक्ड है, क्लियर है। सातवें नंबर पे आ गई नहीं, कौन सा नंबर हो गया, सातवां नंबर, सातवां नंबर यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि लीगली बैक्ड, लीगल टीथ है इसके। तो आपको क्या करना है, आपको फॉरेस्ट नहीं काटने हैं, आपको वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करना है, उसको आप नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके के एक्ट के थ्रू आप लिविंग क्रिएचर्स के प्रति और फॉरेस्ट जन और फ्लोरा एंड फोना के प्रति आपको कंपैशन रखना है, ये मैंडेटरी है, क्लियर है बात। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को तो यही लगता है, ठीक है। पर इसके पीछे कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है, लेकिन एक गुड फेथ में एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, की भैया लॉजिक ढूंढो, जो भी बातें हम कर रहे हैं उसमें लॉजिक ढूंढो, साइंटिफिक टेम्पर ढूंढो, इंटेलेक्ट ढूंढो कि भैया ये बोला जा रहा है तो इसलिए नहीं मानना कि बोल दिया तो मान लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पिक्चर नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा, आपकी लाइफ है, आपको समझदारी होनी चाहिए, आप हर चीज के पीछे क्वेश्चन करने चाहिए। तो मांस खाना पाप है या मांस खाना पाप नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि पाप नहीं होता। साइंटिफिक टेम्पर ढूंढो, साइंटिफिक लॉजिक ढूंढो उसमें कि भैया मांस खाना पाप है तो भैया कैसे दुनिया चलेगी, भले ही मैं मांस नहीं खाता, छोड़ना है आप अपनी इच्छा से छोड़ो, किसी वजह से छोड़ो, न कि क्योंकि हमारे पुराने जमाने से बोलते हुए आ रहे हैं या हमारे ग्रंथों में लिखा है इसलिए गलत है। और यही समस्या आज की भी रिसेंट केस में आपने देखा होगा कि हिजाब पहनना हमारे कम्युनिटी के लिए गलत है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी के लिए सही है, इसके बिना हम नहीं निकल सकते। तो ये पुराने टाइम से कहता हुआ रहा है, लेकिन आपको लॉजिक ढूंढना है, आपको साइंटिफिक टेम्पर ढूंढना है, आपको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है कि भैया हिजाब पहनना इतना जरूरी है या स्कूल जाना जरूरी है, एडुकेशन लेना जरूरी है, क्लियर है बात। तो ऐसी चीजों में मत पड़ो, आप एक अच्छे नागरिक की तरह बनो कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, सिर्फ इसलिए नहीं माननी क्योंकि पुराने जमाने से वो चलती हुई आ रही है, वो प्रथा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि हो सकता है पुराने जमाने में किसी ने मजाक कर दिया हो, लिख दिया हो, समझ में आ रही बात। तो आपको पूछना है, आपको समझ में आता है, आपको अपना आंसर मिलता है, लॉजिक लगता है, फॉलो करो, नहीं लगता तो कृपया फॉलो मत करो और वो भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्लियर है बात। चलो आगे, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है ना, वापस टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अब पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो कि हमारे देश में कई लोग करते हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट एजिटेशन होता है। तो आपने सुना होगा पब्लिक प्रॉपर्टी का नाश कर दिया, या हमारी बसें फूंक दी, लोगों को टायर जला दिए, तो किसी भी प्रकार का पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचाओ, टायर वापस पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, पर आप बसें फूंक देते हो या गाड़ियां फूंक देते हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको जला देते हो, तो दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटी एंड इट हैज लीगल बैकिंग, क्योंकि ये ऑड नंबर पे आ गई, नवे नंबर पे, नवा हो गया ना ये, यस नवे नंबर पे आ गई है, एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है ना। इसलिए अभी रिसेंटली अगर आपको देखा हो आपने, तो अभी हिंदुस्तानी बाबू जो है, एक बहुत ही प्रिय कलाकार हैं, कलाकार तो क्या है, नौटंकी ज्यादा है, तो उनको भी अभी उनके अगेंस्ट केस हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दंगा भड़काया, यहां बच्चों को भड़काया कि अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट आप प्रोटेस्ट करो, वहां पे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करी, और उसी प्रोटेस्ट के दरमियान शायद एक बस को भी जला दिया गया, हालांकि किसी को मारा नहीं गया, खाली बस को जला दिया गया, बट दिस इज अगेंस्ट दी फंडामेंटल ड्यूटी कि भैया आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं फैला सकते, और इसकी लीगल बैकिंग है, इसलिए उनको फिर उनके ऊपर केस भी हुआ और उनको जेल के लिए भी, जेल भी ले जाया गया, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, हमें सबको इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिवली मिलके जुड़ के हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे एंडेवर्स करने चाहिए, ऐसे कर्तव्य करने चाहिए जिससे हमारा देश प्रगति करे, हमारा देश आगे की ओर बढ़े, न कि ऐसे काम करे जिससे हमारा देश वहीं का वहीं बना रह जाए, जैसा कि हम अभी करते हैं,
हम सारी चीजें फॉलो करते हैं जो पुराने टाइम से आ रही है। साइंटिफिक टेंपर की बहुत कमी है हमारे देश में, इंक्वायरी की बहुत कमी है, लॉजिक हम नहीं ढूंढते, हम सिर्फ प्रथाओं को मानते हुए आ रहे हैं, कहने वाली बातों को मानते हुए आ रहे हैं, ग्रंथों को मानते हुए आ रहे हैं, बस ये पुरानी पुरानी चीजों को हम मान रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो मान लिया और कुछ अपना लॉजिक हमें नहीं लगाना। तो इससे हमारा देश आगे की ओर प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा मोटिव नहीं है। हमें कुछ और करना है, हमारे को देश को आगे ले जाना है, और इनफैक्ट हमारे को दुनिया को आगे ले जाना है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी समस्या हमारे दुनिया में आजकल आ रही है, और अगर हम इसी में अटके रहे तो हम फ्यूचर की तरफ नहीं सोच पाएंगे। हम हमारी अर्थ जो कि आज की तारीख में खतरे में है, बीट ऑन पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, कुछ भी सारी चीजें हो रही हैं, उसके पीछे अगर आप कारण ढूंढोगे तो कारण यही है कि हम आगे की तरफ काम नहीं कर रहे। हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल में इन सब मसलों में ही अटके हुए हैं, हम आगे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें अगर हमारे देश और दुनिया को बचाना है या आगे ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी तरह चलना पड़ेगा। कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हमारी एक्सेलेंस की तरफ हमारी दौड़ होनी चाहिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडुकेशन, ये जो 11वां है ये आता है हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी। ये इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर द 86 अमेंडमेंट 2002। बाकी सारे जो 10 थे वो मैंने आपको बताया कहां से आए, 42nd अमेंडमेंट 1976। ये इकलौता एक अमेंडमेंट आया था 86 अमेंडमेंट 2002, जिसमें इकलौता फंडामेंटल ड्यूटी ये जोड़ी गई। सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स, ठीक है, दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाई दी 86 अमेंडमेंट 2002। तो इस फंडामेंटल ड्यूटी में क्या एक बहुत ही ज्यादा अच्छा जादू है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी आ रही है, फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएसपी भी। तो क्या था शुरुआत में हमारा जो डीपीएसपी था उसमें सबसे पहले ये लिखा गया था कि 0 से 14 साल के बच्चे को स्टेट शुड टेक एंडेवर्स टू प्रोवाइड एडुकेशन टू द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स, कंपल्सरी एडुकेशन, ठीक है ना। ये डीपीएसपी था पहले, कि सिर्फ ये डायरेक्शन था स्टेट के ऊपर कि हमें एडुकेशन बढ़ानी है, लिटरेसी बढ़ानी है हमारे देश की, बट क्योंकि हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं तो इसको शुरुआत में क्या करा गया था, एक डीपीएसपी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था कि भैया आपको एडुकेशन प्रोवाइड करानी है हर बच्चे को 0 से 14 साल की उम्र तक के पूरी कंट्री में। ये डीपीएसपी था। लेटर ऑन जाके क्या किया गया, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चे को तो डीपीएसपी रख दिया और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको ऑब्लिगेशन कर दिया स्टेट के ऊपर कि आप ऐसे प्रावधान करें कि 6 से 14 साल के बच्चे को क्या होना चाहिए, एडुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री प्राइमरी एडुकेशन मिलनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे को नहीं मिलती या उसके अभिभावक को लगता है, गार्जियन को लगता है कि इसको एडुकेशन नहीं मिल रही, राइट पूरा नहीं हो रहा, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका सकता है। दिस इज फंडामेंटल राइट, क्लियर है बात। तो पहले तो डीपीएसपी था 0 से 14, लेकिन फिर इसको तोड़ दिया, 0 से 6 डीपीएसपी रख दिया, 0 से 6 की भी इनकी आप कोशिश करें कि इनको भी आप एडुकेशन दे सकें, लेकिन 6 से 14 तो मैंडेटरी कर दिया कि भैया फंडामेंटल राइट है हर बच्चे का, और जो इस एज ग्रुप का है और उसको ये अगर राइट नहीं एक्सेस कर पा रहा, राइट नहीं मिल रहा किसी भी कारण से, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका सकता है। ये तो थी हमारी क्या बात, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की। और यहीं पर क्या कर दिया, यहीं पे कर दिया, यही 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको बोला कि भाई साहब आप लोग स्कूल जाएं, और इनके जो पेरेंट्स गार्जियन हैं उनके ऊपर ये ड्यूटी डाल दी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और द गार्जियन टू सेंड देयर वार्ड और चाइल्ड, अपने बच्चे को आप 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चा है उसको भेजो स्कूल के अंदर। हम राइट तो दे रहे हैं, हम एडुकेशन तो बांट रहे हैं, हम हमारी किताबें लेके निकल गए बाहर पढ़ाने के लिए, हमने सारा स्ट्रक्चर बना दिया है, भले ही वो ऊपर नीचे खराब बराब वो आप सब जानते हैं वो बात है, लेकिन स्टेट अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रही है, आप अपने बच्चों को भेजो तो सर स्कूल। तो ये एक ड्यूटी की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया ऑन पेरेंट्स या गार्जियन कि भैया आपके अगर बच्चे 6 से 14 साल के उम्र के हैं तो प्लीज सेंड देम फॉर स्टडीज, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो तो स्कूल में डाल ही देगा, अच्छे स्कूल में डाल देगा, प्राइवेट स्कूल में डाल देगा, पर जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है वो कहां भेजेगा, तो उसके लिए प्रावधान करें सरकार ने सरकारी स्कूल। तो आप जो सरकारी स्कूल देखते हो ना, ये भी इनका नतीजा है कि सरकारी स्कूल बनाए क्यों हैं, क्योंकि इन बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड करानी है। पहले डीपीएसपी था, अब फंडामेंटल राइट हो चुका है हर बच्चे का 6 से 14 साल के बीच में, और इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटी डाली हमने पेरेंट्स के ऊपर कि भैया आप इन बच्चों को स्कूल भेजो पढ़ने के लिए। तो देखो कितना ब्यूटीफुली तीनों चीजें कनेक्टेड है। और इसको लाए कहां से हम, 86 अमेंडमेंट 2002 को, किस पार्ट को लाए,
इसको अभिभावक को स्कूल भेजना है बच्चे को, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमने बना दी 2002 में। ठीक है भैया, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज 1 से 11, 1 to 11, 1 to 10 वर इंट्रोड्यूस बाय 42nd अमेंडमेंट, 11th वॉज इंट्रोड्यूस बाय 86th अमेंडमेंट 2002। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ आर लीगली बैक्ड अप, सेकेंड फोर्थ सिक्स एट आर नॉट लीगली बैक्ड अप। ठीक है, ये लीगल टूथ नहीं है इनके, उसके लीगल टूथ हैं जिसके ऑड वालों के, और इवन वाले लीगल नहीं है, मॉरल है, सिर्फ मॉरल है। ठीक है, अब ये फाइनली एक फीचर्स देख लेते हैं। सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज मैंने बता दिया, वाइल सम ऑफ देम आर सिविक ड्यूटीज। फॉर इंस्टेंट, एनरिचिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज अ मॉरल प्रीसेप्ट। मैंने आपको जैसे बताया कि हमें फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारी लड़ाई हुई, क्रांति हुई, उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका मखौल ना उड़ाना चाहिए, ये एक मॉरल ड्यूटी है, ना कि एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। एंड रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल एंथम इज अ सिविक ड्यूटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना, नेशनल एंथम की इज्जत करना, नेशनल एंथम के समय खड़ा होना, नेशनल एम्बलम की इज्जत करना, ये एक सिविक ड्यूटी है। यानी कि आप एक सिविक सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो आपके ऊपर मैंडेटरी है, ये आपको करना है। क्लियर बात? दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिस। इन अदर वर्ड्स, दे इसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर जो जो वैल्यूज है वो हमारी इंडियननेस ही है, जो हमने इतने सालों से हमारे अंदर जो इंडियननेस भरी हुई है उसी को कोडिफाई करके हमने फंडामेंटल ड्यूटीज दी है, जो मॉरल प्रिसेप्ट्स है हमारे। क्लियर है बात? एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, दैट इज अवेलेबल ओनली, या दैट इज दैट इंप्लाइज ओनली टू दी सिटीजन। हम फॉरेनर या एलियन जो हमारे इधर रहते हैं, एलियन वो जादू वाले नहीं वापस, एलियन जो फॉरेनर लोग हैं जो हमारे देश के सिटीजन नहीं हैं, वो लोग के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करना ऑब्लिगेटरी नहीं है या उनको मानना जरूरी नहीं है। बट ये कहाँ पे लागू होती है, ये सिर्फ हमारे सिटीजन की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई साउथ अफ्रीका का आदमी आया हुआ है यहाँ पे, तो वो नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं हो रहा, भले वो हिंदुस्तान की धरती पे सरहदों के अंदर है, तो उसको नेशनल एंथम पे खड़ा होना या नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली बात है, दूसरी कंट्री का नेशनल एंथम है तो आप रिस्पेक्ट करोगे ही करोगे, बट ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आपके ऊपर तो ये बाध्य ही है, सिटीजन के ऊपर बाध्य है, एलियन के ऊपर बाध्य नहीं है। सो दिस इज इट, फंडामेंटल राइट्स विच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर अवेलेबल, आर कन्फाइंड टू दी सिटीजन ओनली। सिर्फ सिटीजन के ऊपर बाध्य है ये आपके नॉर्मल इंसान के ऊपर, यानी एलियन, नॉर्मल मतलब एलियन, ठीक है ना, नॉर्मल यानी कि बाहर से जो आया है, सिटीजन जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के नागरिक नहीं है एलियन, ठीक है, डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। लाइक द डायरेक्टर प्रिंसिपल आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट। इसके एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्ट एनफोर्समेंट नहीं है कोर्ट द्वारा, आप सुप्रीम कोर्ट जाके आप खटका नहीं सकते हो कि इस भाई ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी है, इसको जेल के अंदर डालो या इसको कोई भी पनिशमेंट दो, ऐसा अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये पावर दी गई कि आप एक सेपरेट एक्ट ले आओ, मतलब ऐसा नहीं कि एज अ होल फंडामेंटल ड्यूटी को हम कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट क्या है एज अ होल हम कवर करते हैं, इसलिए हम रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की पावर देते हैं। यहां पे ये बीमारी नहीं है, यहां पे क्या है, यहां पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटी के साथ आप क्या कर सकते हो, आप लीगल एक्शन या लीगल एक्ट बना सकते हो जिसके थ्रू फिर आप जाके कोर्ट के दरवाजे खटका सकते हो या पनिशमेंट उनको अलॉट हो सकती है। बट अगेन क्या है, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल एज अ होल, एज अ होल समझने की बात है, ये डिफरेंस है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर लीगल एक्शन है तो फिर क्या दिक्कत है, बट एज अ होल फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉन जस्टिसिएबल, यू नीड टू क्रिएट सेपरेट लेजिस्लेशन, यू नीड टू क्रिएट सेपरेट एक्ट फॉर ईच फंडामेंटल ड्यूटी टू मेक इट लीगली अवेलेबल या लीगली बाइंडिंग। क्लियर है बात? तो ये थे हमारे फीचर्स, प्रमुखताएं, और इसी के साथ वील कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो बस थैंक यू, आपने वैसे ही कोर्स खरीद लिया है, थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स, आई एम अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑन ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स, वहां पे जाके आप कुछ भी चर्चा विमर्श मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।